चंबल रेंज के डीआईजी अशोक गोयल ने दतिया जिले के थाने और आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान डीआईजी ने सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और बिस्किट के पैकेट वितरित किए। दतिया दौरे पर पहुंचे चंबल रेंज के डीआईजी अशोक गोयल ने चुंगी पुल के पास गाड़ी रोककर ट्रैफिक बल सूबेदार होतम सिंह को मास्क बिस्किट के पैकेट वितरित किए। उन्होंने सर्किट हाउस में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, एडिशनल एसपी आरडी प्रजापति, पुलिस अधिकारियों से जिले की लॉकडाउन पर चर्चा की। डीआईजी अशोक गोयल चिरूला एमपी यूपी बॉर्डर पर भी पहुंचे और निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को बिस्किट और मास्क का वितरण किया। पुलिस लाइन में आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। डीआईजी ने कोतवाली सिविल लाइन थाना का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजगढ़ चौराहा चेकिंग पॉइंट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पानी भोजन की शुद्धता की जानकारी ली। राजगढ़ चौराहे पर मीडिया से रूबरू होकर सभी पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को बिस्किट और मास्क वितरित किए। इसके बाद डीआईजी ने उन्नाव थाना और उन्नाव झांसी बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान बॉर्डर पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आरआई के द्वारा जनरेट साइट नहीं खुली, ना ही उन्नाव थाने पर डीआईजी को पीने का गर्म पानी उपलब्ध हुआ। अव्यवस्था ही मिली। डीआईजी ने व्यवस्थाओं में सुधार के आदेश दिए। इसके बाद डीआईजी ने उन्नाव बॉर्डर पर पुलिस बल को मास्क और बिस्किट के पैकेट बांटे। डीआईजी सरसई थाना, भांडेर थाना, पंडोखर थाना, इंदरगढ़ थाना का भी निरीक्षण किया। सभी जगह डीआईजी अशोक गोयल ने पुलिस कर्मियों को मास्क एवं बिस्किट के पैकेट बांटे। पहली बार चंबल जोन डीआईजी अशोक गोयल ने पुलिस बल के लिए एक बड़ी पहल की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति, एसडीओपी गीता भारद्वाज, कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह, सिविल लाइन टीआई राजू रजक सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। एक तो आम जनता के लिए यह है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसमें स्पेसिफिक ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ ना रहे, उसके लिए ये लॉकडाउन किया गया है। और हमारा प्रयास और प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी तरीके से इकट्ठा ना हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे किराना दुकान हो, उसको सेग्रीगेशन करने के लिए 2-3 सब्जी मंडी बनाई गई हैं। छोटी छोटी दुकानें लगा के या 2 चलित ठेलों के माध्यम से सब्जी और भिजवाई जा रही है, जिससे कि कोई सिविल में आपूर्ति ना रहे। सर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा सर, क्या इसके लिए निर्देश? इसके लिए जो शासन जो निर्धारित करेगा वो उसी पर चलेगा। शासन जब बोलेगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो उसे बढ़ाया जाएगा। आइसोलेशन जो वार्ड से 2 तरह के आइसोलेशन वार्ड है। एक आइसोलेशन वार्ड जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो पब्लिक के लिए आएगा उसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना है, और क्वारंटाइन वार्ड एक उनके लिए बना है पब्लिक के लिए। विशेष रूप से शासन द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, और अगर उसमें से किसी कंडीशन के अंदर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन आता है या किसी का टेस्ट होना है तो उसके ऊपर लगे हुए कर्मचारी जो भी होंगे वो अपने घर नहीं जाएंगे और आइसोलेशन वार्ड में ही रहेंगे, और आइसोलेशन वार्ड से ही वो ड्यूटी करने जाएंगे और वहीं उनकी व्यवस्था पूरी रखी गई है। दतिया से रजनी लटोरिया की खास रिपोर्ट।